राज्य कार्यक्रम और तेंदुपत्ता हितग्राहियों को बोनस बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर अमित तोमर शामिल हुए। कलेक्टर अमित तोमर ने आजीविका परियोजना के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही गणवेश को देखा और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के कामों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए और आगामी चुनाव के मद्देनजर बनने वाले स्ट्रांग रूम कॉलेज परिसर पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। SDM और मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कॉलेज परिसर में पहुंचे कलेक्टर को छात्रों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। कॉलेज में पानी जमा होना, फर्नीचर आदि समस्याएं बताई गयी, जिस पर DM ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। इसी अभियान के तहत सहभागी क्रमांक स्कूल में पार्टिसिपेट किया, बच्चों से इंटरेक्शन किया है। वहाँ बच्चों के द्वारा कुछ मांग की गई थी, उसमें खेल सामग्री है और पेयजल की व्यवस्था की बात थी, तो हम लोग उसको 3 दिन सुनिश्चित करा देंगे। इसके साथ ही चुनाव को देखते हुए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है और जो व्यवस्थाएं करना है उनको निर्देशित किया गया। कॉलेज में कुछ बच्चों ने समस्याएं बताई थी, जिसमें फर्नीचर की समस्या थी, फर्नीचर की समस्या का समाधान हम तत्काल करा देंगे। प्लेग्राउंड के बारे में उन्होंने कुछ बिंदु बताए थे, तो उसको हम ठीक करा रहे हैं।